अडल्टहुड मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था. आई वॉज 14 व्हेन आई गॉट मैरिड और वहाँ से मेरी लाइफ शुरू हो गई, यू नो, बच्चे, फैमिली, सारा कुछ. 2006 में आई वॉज गोइंग थ्रू अलॉट. एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, आपने अपना रॉक बॉटम हिट किया होता है. आई हैड इंसोम्निया, आई हैड बिलिमिया, यानी कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी. मैं 5 लिक्सोटिनल्स खाती थी. बिलिमिया होता है कि आप खाते हो और वॉमिट करते हो, खाते हो और वॉमिट करते हो. और इनफैक्ट आई वॉज सुसाइडल. आई वॉज टेकिंग लॉट ऑफ मेडिकेशन. और फिर एकदम से ये कोर्स जर्नी टू जॉय जो है मेरी ज़िंदगी के अंदर आ गया. एंड इट गेव मी टोटल न्यू परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर लाइफ. इस कोर्स ने मुझे स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एनर्जी दी. गू मीन डार्कनेस एंड रू मीन लाइट. सो जो शख्स आपको डार्कनेस से लेके लाइट में लेकर आता है वो होता है गुरु. सो ये कोर्स मैंने किया और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद. आज हमारी मेहमान हैं उज़्मा रमज़ान साहिबा. ये एक मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं और स्पिरिचुअल हीलर हैं. ये बताती हैं बेसिकली कि हम अपने सांस के ज़रिए अपने माइंड को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, क्लेंस कर सकते हैं, और हमारी रोज़मर्रा की जो परेशानियाँ, थकावट, डिप्रेशन और एंग्जाइटी है, इसको हम खुद से किस तरह मैनेज कर सकते हैं, और हमारी सेल्फ, जिसे अगर मैं रूह कहूं और इकबाल की ज़ुबान में खुद ही कहूं, इसका इंसानी ज़िंदगी में क्या रोल है, ये सब बातें इनसे हम जानेंगे. आइए इनसे मुलाकात करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा रमज़ान साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला. मैम, आप स्पिरिचुअल हीलर हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं. इस फील्ड की तरफ आप कब और कैसे आई? कब आपने सोचा कि आप इस फील्ड में आके लोगों को हेल्प आउट करें? थैंक यू सो मच. आई एम सो ऑनर्ड कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया. देखिए, अडल्टहुड मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था. आई वॉज 14 व्हेन आई गॉट मैरिड और वहाँ से मेरी लाइफ शुरू हो गई, यू नो, बच्चे, फैमिली, सारा कुछ. 2006 में आई वॉज गोइंग थ्रू अलॉट. एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, आपने अपना रॉक बॉटम हिट किया होता है. आई हैड इंसोम्निया, आई हैड बिलिमिया, यानी कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी. मैं 5 लिक्सोटिनल्स खाती थी. बिलिमिया होता है कि आप खाते हो और वॉमिट करते हो, खाते हो और वॉमिट करते हो. और इनफैक्ट आई वॉज सुसाइडल. I was taking lot of medication. और फिर एकदम से ये कोर्स जर्नी टू जॉय जो है मेरी ज़िंदगी के अंदर आ गया. एंड इट गेव मी टोटल न्यू परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर लाइफ. द वे मैं ज़िंदगी को देखती थी वो बिल्कुल बदल गया. इस कोर्स ने मुझे स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एनर्जी दी टू डील विद, यू नो, कोई ज़िंदगी के अंदर भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसके लिए. सो मेरी ज़िंदगी, आई वॉज अ सीकर. जब वट यू आर सीकिंग इज़ सीकिंग यू. जब आप रेडी होते हो तो ऑटोमेटिकली आपका टीचर, मेंटोर, गुरु आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है. ठीक है. गू मीन डार्कनेस एंड रू मीन लाइट. सो जो शख्स आपको डार्कनेस से लेके लाइट में लेकर आता है वो होता है गुरु. सो ये कोर्स मैंने किया और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई. सो फिर मुझे अब जिस तरह मुझे लग रहा था कि अब मेरा टाइम है कि मैं वही चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला, क्योंकि ये कोई किताबी बात नहीं थी, यू नो, आप के लेक्चर आप सुनते हो, आप चीज़ें करते हो, इसने एक्चुअली मेरी ज़िंदगी को बदला. सो मुझे था कि ये आप हर कोई अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, क्योंकि सिर्फ आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है. आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आपकी हर चीज़ कंट्रोल हो जाती है. मैम, ये माइंड को कंट्रोल करना बेसिकली है क्या, और स्पिरिचुअल एनर्जी से हम अपनी हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं? ऑफकोर्स हम अपनी हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं. देखिए, वी ऑल हैव दैट स्पेस विद इन अस विच इज़ टोटल ब्लिस. हमारे अंदर ही, जैसे इशफाक अहमद जाविया में कहते हैं कि हमारे अंदर ही वो पारस है, वो हीरा है, वो ताकत है. लेकिन जिस तरह गुड़ के ऊपर आपने कभी देखा है मक्खियाँ से चिमड़ जाती हैं, तो गुड़ पर मक्खियाँ चिमड़ जाती हैं, उस खूबसूरती पर, उस पारस पर हमारी सोचें और हमारे खौफ जो है ना वो चमड़ जाते हैं और हमें उस तक पहुंचने नहीं देता है. ठीक है. सो बेसिकली आपने उस तक पहुंचना है और आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है. देखिए, जब हमारा कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो हमें कैसे सब्र आता है ना. उस प्यारे के जाने का दुख कम होता है, ना तकलीफ़ कम होती है, ना मोहब्बत में कमी आती है, लेकिन हमें सब्र आ जाता है क्योंकि हमारा माइंड कहता है कि वो नहीं है, आगे बढ़ो. ऐसे ही है ना, तो उसी को हम कहते हैं कि सब्र है.
तो हर चीज़ जो है ना वो हमारी माइंड ही हमारे सामने बना के पेश करता है. तो अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आपने अपनी हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया. मैं माइंड को कंट्रोल करने की जब हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? माइंड को कंट्रोल करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सांस. अच्छा, आप अपने सांस से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो. जैसे आप इस तरह से देखें कि अगर हमारा माइंड एक काइट है ना, तो उस काइट को जो उड़ाने की डोर है वो आपका सांस है. ठीक है, यानी कि सांस के ज़रिए आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो. ये तो हमारा भी एक्सपीरियंस यही बताता है ना कि माइंड को तो कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता. माइंड की तो अपनी मर्जी होती है, जो भी सोचना होता है उसने. तो माइंड जो है वो आप अपने सब सांस से कंट्रोल कर सकते हो. वही इस कोर्स के अंदर हम सिखाते हैं और हमने सीखा है कि अपने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना. मैम, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान नाउमीदी में है या वो डिप्रेशन में है तो वो अपने सांस के ज़रिए अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करे? बिल्कुल कर सकता है. देखिए, आर माइंड वैसिलेट बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर. हमारा माइंड 24 घंटे ना पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है. या हम कभी अपने हर वक्त गुजरे हुए कल को सोच सोच के उसके बारे में परेशान हो रहे होते हैं, उसके बारे में गुस्सा कर रहे होते हैं, रिग्रेट कर रहे होते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ. और या हम अपने आने वाले कल को सोच सोच के उसके बारे में एंग्शियस हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि कल क्या होगा. सो ये जो कॉन्स्टेंट वैसिलेशन ऑफ माइंड है ना, ये क्या करती है कि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस का बायस बनती है. तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि आजकल हर कोई कहता है ना डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होगी, कि ये है क्या. अगर आप बहुत ज़्यादा अपना फ्यूचर सोचोगे तो वो बन जाएगा एंग्जाइटी, और अगर आप अपना बहुत ज़्यादा पास्ट सोचोगे तो वो बन जाएगा डिप्रेशन. सो ये है डेफिनेशन आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की. जो जॉय है ना वो है इन द प्रेजेंट मोमेंट. इशफाक अहमद, यहाँ पे मैं दोबारा उनको कोट करूँगी, कि उन्होंने अपनी जाविया में कहते हैं कि मैंने बाबा से पूछा. बाबा हमारे आपकी तरह के लोग होते हैं लेकिन खुदा के बहुत करीब होते हैं. कहते मैंने बाबा से पूछा कि मोमिन कौन है, तो बाबा ने कहा मोमिन वो है जिसका दिल माजी की याद में नहीं मुबतला और जो मुस्तकबिल से खौफजदा नहीं है. आपने अली अक्सर सुना होगा, हम एक टर्म यूज़ करते हैं बुज़ुर्गों के लिए कि वो बुज़ुर्ग बड़े साहिब हाल हैं. बिल्कुल ऐसे सुन करते हैं ना. क्यों? यानी कि उन पे हाल का राज अफशा है. ठीक है, यानी कि उनके ऊपर हाल का राज अफशा है, वो उस हकीकत से वाकिफ़ हैं. क्योंकि देखिए, है तो हमारे पास सिर्फ नाव ही नहीं है ना, क्योंकि नाव में ही बैठ के आप अपने फ्यूचर को सोचते हो और नाव में ही बैठ के आप अपने पास्ट को सोचते हो. बिल्कुल ऐसे. तो जो एक जॉय जो है वो एक प्रेजेंट मोमेंट में है. प्रेजेंट मोमेंट इज सो वास्ट एंड डीप. मेडिटेशन जो है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है. तो यही पे वो फिर ब्रेथ वर्क की बात आ जाती है. मैम, एंग्जाइटी हमारे माइंड को, हमारी हेल्थ को किस तरह से डैमेज करती है? देखें, एंग्जाइटी जो है, ये जो परेशानी है, ये सारे नेगेटिव जो इमोशंस हैं, ये सबसे पहले तो हमारे जो क्या कहते हैं उसके इम्यूनिटी के ऊपर असर डालते हैं. यानी कि जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नेगेटिव, आपको अल्सर्स, यू नो, ये सारी चीज़ें, सारी इम्यूनिटी आपकी, इससे सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये आपकी ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ को करते हैं. जैसे ये ग्लास है, जब आप बच्चे होते हो, आप यंग होते हो, आप टेंशंस ले सकते हो, परेशानियां ले सकते हो, सारा कुछ आपका लेते रहते हो. एक सर्टेन एज के बाद जब ये ग्लास भर जाता है तो क्या होता है, ये आपका पानी बाहर गिरेगा. ऐसे ही है ना. तो जब आप इन सारी चीज़ों को लेते रहते हो, जब आपका वो ग्लास भर जाता है तो फिर वो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, तो फिर वहीं से हमारी हेल्थ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रेटर योर कनेक्शन टू द सेल्फ, ग्रेटर योर कनेक्शन टू द परफेक्ट हेल्थ. ठीक है, ठीक है ना. जितना आपका अपने आप से ताल्लुक मजबूत होगा उस सेल्फ से. अब यहाँ पर यही बात आ जाती है कि हर कोई कहता है सेल्फ, कनेक्ट विद योर सेल्फ, यू नो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सेल्फ है क्या आखिर. वो सेल्फ है क्या? हमारा अंदर खुदा की खुशबू से मुअत्तर है, लेकिन हमारे उसके ऊपर खौफों का और हमारी सोचों का बोझ पड़ा होता है, जो उसे हमें कनेक्ट नहीं करने देते. देखो, अगर आप अपनी कोई पुरानी तस्वीर निकाल के देखते हो तो आप देखोगे 10 साल पहले की, कि आपकी शक्ल बदल गई, आपकी सोच बदल गई, आपकी फीलिंग्स बदल गई, आपके इमोशंस बदल गए, बॉडी बदल गई, बट देयर इज समथिंग जो कि वैसे का वैसे ही है. ठीक है, वो होता है सेल्फ. ठीक है, सेल्फ इज दैट टोटल कॉन्शियसनेस. एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस ने ना इसको डिफरेंट नाम दिए. ठीक है, कोई इसे गॉड कहता है, कोई इसे इनर ट्रूथ कहता है, कोई इसे यूनिवर्स कहता है, कोई इसे सोल कहता है, कोई इसे रूह कहता है, कोई इसे स्पिरिट कहता है, कोई इसे इन्फिनिटी कहता है. तो डिफरेंट ट्रेडिशंस ने डिफरेंट नाम दिए हैं. इकबाल ने इसको खुदी का नाम दिया है, बहुत लिखा है इसके बारे में. ज़ात, और
उनका बड़ा मशहूर शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो ग्रेटर योर कनेक्शन टू द सेल्फ, ग्रेटर योर कनेक्शन टू द परफेक्ट हेल्थ। मैम अब आप मुझे ये बताएं कि सेल्फ के साथ या रूह के साथ हम अपना कनेक्शन मजबूत कैसे कर सकते हैं? देखिए उन्हीं सोचों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है ना, अपने थाट्स के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ एक सोच से शुरू होती है। हर चीज़ जो है वो एक ख्याल से शुरू होती है, पहले थॉट आते हैं फिर उसके ऊपर अमल किया जाता है, यानी कि ऑल ग्रेट इन्वेंशन इन लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द थॉट। पहले ख्याल आता है फिर उसके ऊपर अमल किया जाता है, फिर वो आपकी ज़ात का हिस्सा बनता है और फिर आप उससे अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। ठीक है ना, किस्मत तो है लेकिन वी ऑल मेक चॉइसेस एवरी डे ना, एक फ्री विल भी तो है। जैसा लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री विल एंड योर किस्मत, जैसे आपकी हाइट आपकी किस्मत है लेकिन आपका वेट आपकी चॉइस है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है ना। सो हर चीज़ जो है वो एक ख्याल से शुरू होती है, तो अगर आपने ख्यालात पे काबू पा लिया तो आपने हर चीज़ पे काबू पा लिया। मैम अगर एक बंदा है वो हर वक्त शुक्रगुजारी की हालत में है तो क्या इसका मतलब उसका जो सेल्फ के साथ कनेक्शन है वो मजबूत है या अपनी रूह के साथ? बिल्कुल, देखिए प्रेजेंस इज एवरीवेयर, आपने उसको वाईफाई के सिग्नल्स की तरह कैच करना है। जैसे एक पाइप होता है उसमें गन जब भर जाता है तो उसमें से फ्लो नहीं गुजरता ना, तो हमारा जो पाइप माइंड का पाइप है वो इतना भर जाता है तो उसमें से ग्रेस कैसे गुजरेगी, ग्रैटिट्यूड कैसे आएगा, क्योंकि उसमें पहले ही इतना गन भरा हुआ है। तो जब आप उसको साफ करेंगे विद योर मेडिटेशन विद योर ब्रेथ वर्क तो फिर ही उसके अंदर से फ्लो गुजरेगा ना। हम सबका जो माइंड है वो एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, हम उस पर लिखे चले जाते हैं, हमने कभी बेचारे को साफ तो किया नहीं है। जैसे अगर एक टीचर है, एक स्कूल है, क्लास होती है, मैथ्स की क्लास है फर्ज करें, ब्लैक बोर्ड पर लिखा, सेकेंड पीरियड हो गया, इंग्लिश का टीचर आया, अगर वो ब्लैक बोर्ड को साफ किए बगैर उसके ऊपर ही लिखना शुरू कर देगा तो क्या समझ आएगी किसी का? तो ब्लैक बोर्ड को साफ करना बहुत ज़रूरी है और वो आप इन चीज़ों से साफ कर सकते हो। मैम मैं लोगों की आसानी के लिए ताकि वो हमारी बातों को और ज़्यादा समझ सकें, ब्रीथिंग की कोई ऐसी टेक्निक बताएं जिससे ये जो चीज़ें आप कह रही हैं माइंड की वो साफ हो सकें, साफ फौरी तौर पर साफ हो जाए। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझें ना कि सांस ये नहीं है कि बस हम सांस लिए जा रहे हैं, सांस की इम्पॉर्टेंस पहले समझें कि सांस इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए अल्लाह ने हमें अशफुल मखलूकात क्यों बनाया है, जिन्हों को बनाया आग से, फरिश्तों को बनाया नूर से, हमें इतनी क्या बड़ी बात थी कि मिट्टी से बना के अशफुल मखलूकात का दर्जा दे दिया, क्योंकि जब हमें खुदा ने मिट्टी से बनाया तो हमारे में खुदा ने अपना सौर फोंका, हमारे में खुदा की दीवी सलाहियत है, हमारे में खुदा की दीवी ताकत है, तभी तो है कि वो हमारे शारक से भी करीब है। ठीक है, सो ये तो एक हमारे इस रिलीजन के हिसाब से हो गया। साइंटिफिकली आप देखो तो हम इस दुनिया में जब आते हैं पहला काम सांस, जब इस दुनिया से जाते हैं आखिरी काम सांस, राइट? सो फ्रॉम दिस ब्रेथ टू दैट ब्रेथ इन बिटवीन एवरीथिंग वी कॉल लाइफ, यानी कि इस सांस से उस सांस के दरमियान का सफ़र है ज़िंदगी। ठीक है, और बहुत सी स्टडीज़ ने शो किया है कि 70-80% ऑफ योर टॉक्सिस एंड इम्प्योरिटीज़ जो आपकी बॉडी की होती हैं वो आपके सांस के ज़रिए रिलीज़ होती हैं, और एक आम इंसान अपनी सांस की या लंग कैपेसिटी का सिर्फ 30% यूज़ करता है। सो हमारे सारे जो इमोशंस हैं ना वो हमारे सांस के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि यार मेरा तो काम का मसला है, सांस से कैसे ठीक होगा, मेरा तो हेल्थ का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा, मेरा पैसों का इशू है, मेरा रिलेशनशिप का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा। सो उसके लिए देखो, जब आप इन लव होते हो, जब आप मोहब्बत में होते हो, जब आप खुश होते हो तो आपके चेहरे पे आ जाता है, बिल्कुल ऐसे आपकी आंखों में चमक, चेहरे पे चमक, सबको पता चल जाता है अली खुश हो। और जब आप डिप्रेशन में होते हो सबसे पहले क्या होता है, आपकी चेहरा मुरझा जाता है, सबको पता चलता है ठीक हो क्या हुआ है, तबीयत सही है, लोग पूछते हैं ऐसे। हाँ, तो ये हमारी बॉडी का सिस्टम होता है कि व्हेन यू आर हैप्पी आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली लंबे गहरे सांस लेती है, और जब आप डिप्रेशन में होते हैं आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सांस को छोटा कर लेती है। तो आपका सारे जो इमोशंस हैं वो आपके सांस के साथ जुड़े हुए हैं, आपको नहीं पता। हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। एक सांस हम उसे कहते हैं कि सुख का सांस, पूरे दिन में एक्नॉलेज करते हैं। तो जैसा मैंने अभी पहले कहा कि अगर आपका माइंड एक काइट है तो उस काइट को जो उड़ाने की डोर है ना वो है आपका सांस। सो बाय लर्निंग टू वर्क विद योर ब्रेथ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यानी कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने ख्यालात को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, एंड बाय मैनिपुलेटिंग द ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग को चेंज करने से यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, और अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे तो आप अपनी इनर वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो।
तो आपको यहाँ पे मैं एक सांस का तरीका बताऊँ, जिस तरह उसे हम कहेंगे पावर ब्रेथ, ठीक है। सो उसके लिए जस्ट क्लोज योर आइज, बोथ हैंड्स आपके पाम फेसिंग अपवर्ड्स ऑन योर नीज। सिर्फ हम दो सांस लेंगे, तीन सांस लेंगे, ठीक है। हम नाक से इनहेल करेंगे और आपने सोचना क्या है कि खुदा का नूर आपके अंदर क्या है, और वो आपके माइंड को वॉश कर रहा है, साफ कर रहा है, साफ कर रहा है, एंड देन और सारा गन, सारी एग्जाइटी, सारी परेशानी उसने आपने मुंह के जरिए निकाल, ठीक है। सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, होल्ड द ब्रेथ इन योर माइंड, होल्ड hold, hold and breathe out all the negativity, all the anxiety, all the parishani. Breathe in from your nose, hold the breath, hold, hold, hold and breathe out with the ha sound. Very slowly open your eyes. जी, हाँ, नहीं। कुछ हुआ? फील होता है थोड़ा फील हुआ ना? तो देखिए, हम लोगों लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे अंदर होती है, ठीक है। जब हमारे अंदर वो लाइफ फोर्स एनर्जी नीचे जाती है तो क्या होता है? यू फील लेजी, यू फील नेगेटिव, यू फील लेथार्जिक, यू नो, यू फील सैड, ठीक है। और यही लाइफ फोर्स एनर्जी जब आपके अंदर ऊपर जाती है, यू फील हैप्पी, यू फील एनर्जेटिक, और आपका माइंड बहुत आसानी के साथ आपकी लाइफ की नेगेटिव चीज़ों को लेट गो कर देता है। मैम, खुशी का सारे का सारा ताल्लुक सिर्फ सांस के साथ है या और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, सांस के साथ तो ये ना कि आपके अंदर अवेयरनेस आती है, आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, आपको पता चलता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, नो फ्यूचर नो पास्ट, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो, यू नो। सांस से इन सारी चीज़ों को आता है। खुशी जो है ना, खुशी बड़ी ओवररेटेड है। लोग जो उसको, हम लोग फिल्में देख के, किताबें पढ़ के ना एक अपना बना लेते हो। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ चॉइस। खुशी और कुछ नहीं है, बस एक चॉइस है। इट्स अ चॉइस, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। और देखिए, ये हमने समझना है कि अल्लाह ने हर इंसान को 100 में से 80% जो है उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है, और 20% उसकी ज़िंदगी में अनहैप्पीनेस है। हर इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, कोई बादशाह है, हर बंदे की ज़िंदगी में, यानी कि 80% खुशी हर इंसान की ज़िंदगी में है, और 20 का खाना हर किसी का खाली है। किसी को औलाद की तरफ से खिंच है, किसी को पैसे की तरफ से खिंच है, किसी को सेहत की तरफ से खिंच है, किसी को बहन भाइयों की तरफ से खिंच है, किसी को पैसा, किसी को काम। वो 20% जो है ना, वो हर किसी का खाली है, और वो खाली रहेगा डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारा माइंड क्या करता है कि उस 20% को हमारे सामने 200% बना देता है। उस 80 को हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है, और उस 20 के पीछे पड़े रहते हैं कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं अल्लाह, ये क्यों नहीं है, ये चाहिए, ये चाहिए। जो हमारे पास 80% हमें खुदा ने दिया हुआ है, यू नो, हम सुबह उठते हैं, हम बाथरूम जाते हैं, हम पेस्ट करते हैं, धड़ धड़ पानी आता है, आप यू नो, ये सारी चीज़ें नेमते हैं। ग्रैटिट्यूड से आपकी वो चीज़ और बढ़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस तरह से, वो चीज़ हम एक मैग्नेट की तरह है, हम जो अंदर से निकालेंगे वही चीज़ आएगी। वेयर योर माइंड गोज इट ग्रोज। अगर आप फोकस करोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर लैक पे, यू अट्रैक्ट मोर लैक, और अगर आप फोकस करोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस पे, यू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपने बात की, इसको अगर हम थोड़ा सा डिवाइड कर दें ताकि लोग इसको समझ जाएं एग्जैक्टली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। और एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छे रिलेशनशिप्स की कमी है या पैसे की कमी है, तो वो उसको किस तरह अट्रैक्ट कर सकता है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक वो है कि हम सारे लोग एक मैग्नेट की तरह हैं, ठीक है। हम जो अपने अंदर से चीज़ निकालेंगे वही चीज़ हमारी तरफ और आएगी। वी ऑल स्पीक थ्रू, इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग डिवाइड करें या समझें बहुत आसान लफ्ज़ों में, सो वो ये कि वी ऑल स्पीक थ्रू आर वाइब्रेशन। हम हर कोई ना एक दूसरे से एनर्जी और वाइब्रेशन के थ्रू बात करते हैं। आपने देखा होगा कमरे में कभी कोई आता है, उनको देख के दिल खुश हो जाता है, बगैर वजह के। उनकी एनर्जी इतनी अच्छी होगी, उनकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी होगी। और इसी तरह कभी कभी कमरे में कोई आता है, उनको देख के आपका दिल मुरझा जाता है, उनकी एनर्जी वाइब्रेशन इतनी ख़राब होगी, ठीक है ना। ये आपने नोटिस किया होगा। सो वी ऑल स्पीक थ्रू आर वाइब्रेशन। तो अगर हमारी वाइब्रेशन सारी स्ट्रेस्ड अप होगी तो क्या होगा, वी कन्वे ओनली स्ट्रेस, कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। बट कुछ ना भी बोलें,
ना भी बोलें बिल्कुल, आपकी जिस तरह आपने देखा होगा अगर आप कमरे में किसी में आर्ग्यूमेंट हुआ आपके आने से पहले, आप उस कमरे में एंटर हो गए, आपको लगेगा उस कमरे की हवा भारी है, नो एक अजीब सी टेंस सी होती है सिचुएशन. सो बेसिकली दिस इज ऑल वाइब्रेशन, दिस इज ऑल एनर्जी, ठीक है. सो अगर आप अपनी वाइब्रेशन को क्लेंस करोगे थ्रू योर मेडिटेशन एंड योर ब्रेथ वर्क और ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनसे, तो क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन भी पीसफुल हो जाएगी, ठीक है. और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी पीसफुल हो जाएंगे, ठीक है. जैसे माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ बाप के लिए, कि अपनी एनर्जी को, अपने आप को ठीक रखें, क्योंकि हम जो बच्चे हैं हमारे, वो हमारी एनर्जी को पिक करते हैं. योर चिल्ड्रन विल बिकम हु यू आर, नॉट वट यू से. यानी कि आपके बच्चे वो बनते हैं जो आप होते हैं, वो नहीं बनते जो आप उन्हें कहते हो करने के लिए. तो अगर माँ पीसफुल होगी, बाप पीसफुल होगा, तो घर पीसफुल होगा, आपका ऑफिस पीसफुल होगा, आपके नेबर्स पीसफुल होंगे. तो हमारा भी मकसद और हमारा मिशन भी जिंदगी के अंदर यही है, टू क्रिएट पीसफुल इंडिविजुअल्स एंड टू सी स्माइल ऑन एवरी फेस. देखिए, हमारा कोई, आपका, हम सबका कोई लंबा चौड़ा मिशन नहीं है जिंदगी के अंदर कि हमने बड़े बड़े पता नहीं क्या काम करने हैं. हम वहीं पर रह जाता है इंसान ना, कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो क्या, अपनी एनर्जी पे काम करें, क्योंकि उसी से ही आगे वो चीज़ बढ़ेगी, ठीक है. ठीक है ना, एक होम्योपैथी की जो गोली होती है वो एक 70-80 किलो के ऊपर इंसान के ऊपर असर डालती है, राइट. होता उसमें सिर्फ 5% या 10% है. तो अगर आप भी खा रहे हैं, चल रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप भी कुछ कर सकते हैं. तो मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि डोंट जस्ट एग्जिस्ट, डाई एंड डिसॉल्व, डू समथिंग, कुछ भी करें. और कोई लंबा चौड़ा मिशन नहीं है आपका, सिर्फ हमारा मिशन इस ज़िंदगी में यह है कि टू लीव बिहाइंड अ बेटर वर्ल्ड जो हमें मिली थी, तो उसके मुताबिक आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं. मैम, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या क्या करना चाहती हैं? देखिए, मैंने वो एक कहते हैं सोना तब के कुंदन बनता है, तो सारी मैंने ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें सही, क्योंकि ज़िंदगी लाइफ जो थी उसने मुझे सिखाया है सब कुछ, ठीक है. सो मेरा ये है कि आप हर कोई अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, यही बात है, ठीक है. सो मेरा मकसद सिर्फ यही है, जैसे मैंने आपको बताया, टू क्रिएट पीसफुल इंडिविजुअल्स एंड टू सी स्माइल ऑन एवरी फेस. हम लोग यहाँ पे मुसीबतों के लिए नहीं पैदा हुए सिर्फ, तो ये हर किसी का बर्थ राइट है टू लर्न ऑल दीज टेक्निक्स अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए. तो ये हम सबका बर्थ राइट है. तो मेरा अभी फ़िलहाल तो मैं बड़ों के लिए कोर्सेज ये कर रही हूँ, बट अभी नेक्स्ट मेरा जो है कि अगर आप बच्चों के अंदर ये डाल दें, क्योंकि उनकी मुन्नी मुन्नी सी जिंदगियों में भी इतना स्ट्रेस है, बिल्कुल, कि अगर आप उनकी जिंदगियों को वो कर दें और सारा कुछ, तो आपकी के माइंड को अगर वो भी उनको उस उम्र में पता चल जाए, तो बस मेरा फ्यूचर गोल यही है कि बच्चों के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए और उनके अंदर भी लेकर आना चाहिए. मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनका काम है, आप भी उनसे वाकिफ हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनके बारे में तो ये कहूँगी कि उनके ऊपर खुदा का ख़ास फैज़ है, ठीक है ना, क्योंकि वो लोगों की सोच को बदलते हैं. सोच ही तो मेन चीज़ होती है, या एक ख्याल को पैदा करते हैं. उस वक़्त नहीं भी असर होता, लेकिन बाद में जाके किसी ना किसी को कहीं ना कहीं वो एक रास्ते पर डल जाता है. What comes from the heart goes to the heart. उनकी बात जो है ना, वो क्योंकि वो दिल से करते हैं और वो जाके सीधी दिल के ऊपर लगती है. तो वो बस उनके बारे में और क्या मैं चीज़ कहूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा रमज़ान साहिबा, आपकी तशरीफ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग सेल्फ कंट्रोल के हवाले से और अपनी सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से और अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा. बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.